नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मेक रियल मनी ऑनलाइन पर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें। आज इस वीडियो में कॉइन स्विच एप्लीकेशन में किस तरह से आप UPI के थ्रू इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं वो आपको मैं लाइव यहाँ पर शो करने वाला हूँ। अगर आपको कॉइन स्विच एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आप आई बटन पर प्रेस कर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ किस तरह से एप्लीकेशन को मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से KYC कंप्लीट करना है। KYC सक्सेसफुली कंप्लीट करने पे आपको 50 रुपये का बिटकॉइन मिलेगा फ्री में। तो सीधा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको मैं लाइव यहाँ पर 100 रुपीज़ एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर मैं ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं कॉइन स्विच एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर किस तरह से आप यहाँ पर UPI की मेथड के थ्रू यहाँ पर आप INR इंडियन रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो आपको पर मैं लाइव शो करने वाला हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप ये इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको डिपॉजिट INR। तो मेरे पास अभी 15 पैसे हैं करंट बैलेंस INR में और बाकी बैक आके यहाँ देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पोर्टफोलियो, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कुछ इथेरियम है, कुछ बिटकॉइन है थोड़ा सा, और बाकी मेरे पास जो इंडियन रुपीज़ बैलेंस है वो है 15 पैसे। तो इंडियन रुपीज़ कैसे डिपॉजिट करते हैं वो आपको मैं यहाँ पर मैं लाइव शो करने वाला हूँ। तो डिपॉजिट INR पे आप क्लिक कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, या फिर होम पे जाके यहाँ पर डिपॉजिट INR लिखा है, ये आप दोनों ऑप्शन एक ही हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पर आप 100 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्स यहाँ पर एक बार में आप यहाँ पर 50 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं 100 रुपीज़ लाइव डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया और YouTube पे कमेंट डाले कि ये UPI वाला ऑप्शन अभी काम नहीं करता, कैसे करता, हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 100 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एंटर है, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। कम से कम 100 रुपीज़ यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लिक करना है डिपॉजिट, तो डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है UPI, एक मिलता है बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक में मिनिमम है 100 रुपीज़ और मैक्सिमम है 50 लाख रुपये। तो यहाँ पर आप NEFT, RTGS और IMPS के थ्रू यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बैंक डिटेल आपको मिल जाएगा। ये बैंक डिटेल में आपको ऐड करके इसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है जो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है कॉइन स्विच के अंदर। और मैं यूज़ करने वाला हूँ UPI वाला ऑप्शन। तो UPI में ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है गूगल पे, फ़ोनपे, भीम एप्लीकेशन, पेटीएम एक्सेट्रा, जो भी UPI का, अमेजोन पे जो भी है, उन सब के थ्रू आप यहां से इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं UPI के थ्रू। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर नीचे पूछेगा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जो है यहां से आपको UPI ID डालने के लिए बोलेगा। तो आप ऑलरेडी में एक UPI ID डाली हुई है और सेव वाले बटन इस पर टिक कर दीजिए तो UPI ID आपके सेव कर लेगा, बार बार आपसे UPI ID आपसे पूछेगा नहीं। और UPI ID आपको मिलती कहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोनपे में UPI ID कहाँ होती है। मैंने फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, गूगल पे, अमेजोन पे, कहीं से भी आप UPI करने वाले हैं वहाँ का सभी का UPI ID होता है। ये मेरा फ़ोनपे का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप ये सबसे टॉप में देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट में आपको यहाँ पर जो एक आदमी का एक बटन बना हुआ है, फ़ोटो बना हुआ है, एक आइकन बना, उस पर क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन मिलेगा माई भीम UPI एड्रेस ID, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर शो कर रहा है मेरा anil.jakhat05@YBL, ये मेरे यहाँ पर UPI ID है। इसको यहाँ से इसको आप वहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपको फ़ोनपे से कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप गूगल पे से करने वाले हैं तो गूगल पे का भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे ओपन हो चुका है, सबसे टॉप में देखें यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, राइट कॉर्नर इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना बैंक डिटेल उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए। यहाँ देखेंगे UPI IDs anil.jay10@okay.sbi। तो इस तरह से आपको यहाँ पर UPI ID आपको शो करते हैं, पेटीएम का अलग शो होगा, आपका सभी का शो करता है। UPI ID आपको मिल जाएगी, अपने एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हैं जहाँ से आप पेमेंट आप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पेमेंट करने वाला हूँ फ़ोनपे की तरफ से, तो फ़ोनपे के थ्रू, फ़ोनपे का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंटर किया हुआ है, इसको मैं पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने का, पे पे क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 150 सेकेंड मिलते हैं 100 रुपये सेंड करने के लिए। मेरे UPI ID पे एक नोट पे वो देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है, तो इसको नीचे आएंगे तो देखिए फ़ोनपे पर एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इस पर पे क्लिक कीजिए सिंपली, तो यहाँ पर आपको फ़ोनपे का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट किया गया 100 रुपीज़ के लिए, आप इसको पे कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। अब 150 सेकेंड होते हैं, मैं पे क्लिक करता हूँ, आपको लाइव में शो कर रहा हूँ सेंड। मैं अपना पिन डाल देता हूँ UPI पिन और यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। तो कुछ सेकेंड्स वेट करना है, होम बटन
पेज सक्सेसफुल हो चुका है, इसको मैं डन कर देता हूँ। अब मुझे आना है कॉइन स्विच पर, यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर कैंसिल वगैरह कुछ मत प्रेस कीजिए, कुछ सेकंड्स यहाँ पर वेट करना है। देख सकते हैं मेरे बैंक से पैसा 100 रुपये डेबिट हो चुका है वो जीवन बैंक से, और यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। कॉइन स्विच से मुझे मेल आ चुका है, SMS आ चुका है 100 रुपये डिपॉजिट, देख सकते डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज़ इज सक्सेसफुल, ये ऑटोमेटिक सक्सेसफुल है, आपको कुछ नहीं करना, गो बैक करूँगा मैं। यहाँ देखेंगे मैं, मेरा बैलेंस हो चुका है 100 रुपये, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, बैक आता हूँ और पोर्टफोलियो में आता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये 15 पैसे यहाँ पर मेरा बैलेंस ऐड हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 100 रुपये से ट्राई किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 100 रुपये से ट्राई कीजिए, 100 रुपये सक्सेसफुल आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद जितना चाहे उतना पैसा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जब भी करें फर्स्ट टाइम 100 रुपये से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ बैंक का इशू हुआ, कुछ हुआ, तो आपका 100 रुपये आपका बीच में अटक गया तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा अमाउंट होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पहले एक बार 100 रुपये से आप ट्राई कर लीजिए टेस्टिंग के लिए, 100 रुपये सक्सेसफुली डिपॉजिट होता है, उसके बाद आप जो है जितना अमाउंट उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप थोड़ा चेंज किया है, जो जिस भी एप्लीकेशन का आप यहाँ पर UPI डालते हैं उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन, उस एप्लीकेशन आपको ओपन करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को, या नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसको क्लिक करना पड़ेगा तो सीधा आपका पैसा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। मुझे मेल भी आ चुका है कॉइन स्विच से, देख सकते हैं SMS आया था कॉइन स्विच से, SMS दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड हो चुका है कॉइन स्विच से, और यहाँ पर मुझे मेल भी आया था, मेल भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, मेल आ चुका है देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा आपको मेल भी आएगा SMS भी आएगा 100 रुपये सक्सेसफुल डिपॉजिट यहाँ पर हो चुका है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, और अगर आपने कॉइन स्विच में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे, लिंक से डाउनलोड करने पे क्या बेनिफिट होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको गिफ्ट का बटन बना हुआ है, यहाँ भी आपका रेफर लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है 50 रुपये का बिटकॉइन आपको फ्री में मिलेगा, 50 रुपये का बिटकॉइन मुझे मिलेगा फ्री में। ये कब मिलेगा, जब अपना KYC आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो उसका वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में प्रेस करके वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से KYC कर सकते हैं, वो 50 रुपये यहाँ से आप जो है अर्न कर सकते हैं, 50 रुपये का फ्री का बिटकॉइन यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको एक कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया हो किस तरह से करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया था, व्हाट्सअप किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया यूट्यूब पे कि यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन काम नहीं करता है, आपको मैंने जस्ट अभी लाइव शो किया है ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।